सोनिया सिंह, डिजायर कुकिंग क्लासेस में आज हम एक सिंपल सिनेमन कॉफी बनाने जा रहे हैं, बहुत इजी स्टेप्स के साथ में। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले इसके अंदर मैंने इस वाले मग में दो तैयार करनी है 2 कप कॉफी। तो मैंने इसमें 2 कप दूध गर्म करके रखा हुआ है। आप चाहें तो फुल मिल्क नहीं लेना चाहें तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से गर्म करके रखा हुआ है। इसमें कॉफी ले रही हूँ, इसमें 2 टीस्पून कॉफी है। जितना आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं उतनी आप डाल सकते हैं कॉफ़ी। और इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर और 2 टीस्पून शुगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मिल्क में लिया और इसमें मैंने डाल दी कॉफ़ी, साथ में मैंने डाल दिया दालचीनी का पाउडर और साथ में डाल दी शुगर। आपको जितना शुगर टेस्ट में पसंद है उतना डाला। और बस अब मैं इसको अच्छे से आपस में बीट करूंगी। इसको आप जितनी बार इसको बीट करेंगे उतना अच्छे से इसमें अच्छे से झाग आएगी। तो ये गर्म दूध है और अच्छे से इसमें कॉफी मर्ज हो जाएगी। देखिए देखिए इसके अंदर कितने अच्छे से झाग आ गई है। बस इसको हम इतनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट और बन जाएगा। तो बस हमारी कॉफी रेडी हो गई है। बस लास्ट एंड फाइनल इसको बस स्पून से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। चलिए मग में डालते हैं इसको। 2 मग मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। हम इतना डाला और दूसरे मग में डालते हैं। इसमें जो झाग है हमें इस तरीके से डालनी पड़ेगी क्योंकि वो इसमें ही रह जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा और फिल कर देती हूँ और ये मुझे झाग डालनी पड़ेगी क्योंकि वो पैन में ही रह जाएगी। तो बिल्कुल मिनटों में बनने वाली एकदम अच्छे से कैपेचिनो वाली आपके कॉफ़ी दालचीनी के फ्लेवर के साथ में रेडी है। बस इसके अंदर हमें ऊपर से थोड़ा सा और आप चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर डालना चाहें थोड़ा सा डाल दिया मैंने। तो बिल्कुल अच्छे से मिनटों में तैयार होने वाली कॉफी रेडी है। तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।